ये देखें जी, सुबह सुबह कितनी आज गांव में धुंध है। सुबह तो इससे भी ज़्यादा थी, इसीलिए मैं जो है बाहर नहीं निकली थी। अभी जो है ना हम लोग बाहर आए हैं नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और आप लोग धुंध चेक करें, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो खैर कम हो गई है। अभी ये दरंती वगैरह बांधी है और सोहाजने के दरख्त पे जो है ना वो बिजली के तार से टकरा रहा है, उसको काटते हैं क्योंकि वो बिजली का नुकसान नहीं दे पूरे घर के इलेक्ट्रिक का भी। उसको काटता हूँ मैं जाके, इससे फंसा के इसको खींचूंगा। तो ये लो बेटा, ये पकड़ो सोहाने का फूल, खाना पकेगा ना, सालन वगैरह बनाएंगे। तो इसको फाइनली काट लिया है, था तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन ये करना था, जरूरी था। रशीद कह ना, और ये खड़े वाली जमीन पर खड़ी और देख रही लांगे दे पिछू बुलाने मेरा। माशाल्लाह फ्रेश पत्ते हैं ये। तो माशाल्लाह इसको जो है यहाँ से तोड़ लेते हैं, ताजी ताजी। बस यहाँ से कलर निकाल लिए। तो साथ साथ एक कहते हैं ना, सियाने कहते हैं एक तीर के साथ दो शिकार, तो साथ साथ ये भी तोड़ लिया है और ये भी काम खतरे वाला लग रहा था। आ जाओ मोमो आ जाओ। और ये हमारी मोमो जो है ना हमेशा ही साथ ही चलती है। चलो जैसा कि ये सुहा जरा तोड़ा है ऊपर से, तो ये बना रहे फूल तोड़े, फिर इसको बनाएंगे सालन। बहुत मजे का बनता है, गर्म है, जोड़ों के दर्द के लिए भी सही है। तो ये मुर्गियों को रोटी खिला रही हूँ, खाना खा रही है मुर्गियाँ। ऐसे फट जाओ। तो जी माशाल्लाह कल जो है ना भाभी को ले आया है बड़ा भाई, और दोनों मिलके जो है ना लहसुन लगा रही हैं। तो ये रही लहसुन, कौन सी वाली है? चाइना वाली। अच्छा, इससे और भी कोई नस्ल होती है लहसुन की? हाँ, देसी। देसी का क्या ऐसी होती है, किसी और तरह की होती है? नहीं होती है, पतली पतली होती है। अच्छा, गिलेरी देखें ये जो है ना खेत वगैरह खा रही है, गिलेरी खेत को जो है ना नुकसान दे रही है, पहले बिल्कुल ही नजर नहीं आती थी, अब नजर आना शुरू हो गई है। तो ये जी है चाइनीज लहसुन, ये देखें माशाल्लाह बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। बिल्ली को जी खाना वगैरह डाल दिया है और बिल्ली जो है ना खाना खा रही है आराम से, और माशाल्लाह इधर देखें ये हिस्से का शरीक बन रहा है खाने का बिल्ली के, ये भी इसका खाना खाएगा मुर्गा। ये दोनों यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं।
तो अभी जैसा कि कपड़े धो रहे हैं नहर पे, सुबह तो था ना इतनी था, फुल था, अब कम हो गया। तो मैंने लिया भिगा दी थी, मैंने कहा धो लूँ, अभी धो ली है, बस भिगा लूँगी इससे पानी भर भर के, क्योंकि उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये क्या नहर के अंदर जाओगी? नहीं बेटा, मुझे डर लगता है, पहले नहीं डरती थी, अब डर लगता है। कपड़ों का रंग उतरा है, हाँ तो क्या क्या करता। मैं ऐसा गालने में मुश्किल हो गया, अगर इसके अंदर उतर जाती है ना फिर आसानी होती। मैं उतर जाती लेकिन मैंने भी कपड़े पहने, पूरे घर में पानी लगाया ना, तब मैंने यही नहर से भर भर के लगाया है पानी, उस वक्त मेरे कपड़े गंदे थे, मुश्किल हो गई ऐसे। अगली दफा तो पुप्पो नहर के अंदर गई थी ना, ऐसे मुझे भी डर लगता है, सांप वगैरह हो गए, आदत नहीं है इसकी। अच्छा जी, ये कपड़े जो है ना रस्सी के ऊपर डाल के आते हैं। तो हमारी तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें, ताकि हमारी जो घर की चार दीवारी है वो जल्द से जल्द कम्प्लीट हो सके। तो जैसे कि अभी आप लोग लाइव में नज़र देख सकते हैं कि रात को ये जो है ना जंगल बहुत ज़्यादा पुराना है, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, बहुत ज़्यादा डर लगता है रात को। जो है ना ये चीज़ें आप लोगों को पता है बाहर निकल के आती है, और रात को हम लोग पानी पीने के लिए आते हैं, वॉशरूम के लिए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप लोगों को पता है छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात है, प्यास वगैरह लगती है, और भी काम हो गए, बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही दीवारें नहीं है, और आप लोगों को पता है पहले भी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे घर पे जो चोर वगैरह थे, तो अब तो हमें और भी ज़्यादा डर लगता है जब से हम लोगों ने चोर वगैरह को देखा है। तो अब तो बिल्कुल भी रात को कमरे से हमारे बाहर नहीं निकला जाता, और अभी भी मैं खड़ी हूँ, आप लोग लाइव में नज़र देख सकते हैं कि बिल्कुल ही भयानक जंगल नज़र आ रहा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना बिल्कुल ही सड़क है, और यहाँ से कोई भी गुजरता हुआ इंसान आते तो वो देखते हुए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है ना हम लोगों ने जंगल यहाँ पे बहुत पुराना है, नड़ियाँ हो गई यहाँ पे, और भी काफ़ी चीज़ें हो गई, और सांप वगैरह बिच्छू वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। और रात को ये देखिए ये हमारा वॉशरूम हो गया, यहाँ पे जो है ये चीज़ें सांप वगैरह निकल के आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम लोग आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारी जल्द से जल्द सपोर्ट किया करें, आप लोग कम से कम हमें इटेंट लगा के दे दें, ताकि ये जो है ना हमारे सामने वाली जो फ्रंट की दीवार है ये कम से कम खड़ी हो जाए, ताकि आता जाता इंसान जो है ना देखता हुआ ना जाए, जिससे जितना हो सकता है वो उतनी ईटें डलवा के दे दें, जिसके जितने मसाइल। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें ज़्यादा ईटें डलवा के दें, बाकी बात रही मजदूरी की तो वो इंशाल्लाह हम लोग खुद से ही कर लेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो है ना हमारी घर की चार दीवारी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा रात को डर लगता है। जैसे कि ईंटों वालों से मालूम किया था, उन्होंने जो है ना 9 लाख तक की ईंटें बताई थी, जितने हमारे वसैल बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं, ताकि आप हमारी वीडियो का लिंक आगे शेयर करें, ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। ये देखिए जी, यहाँ पे कोई इतनी झाड़ी, अगर रात को यहाँ पे कोई भी मसलन के छुप के बैठ जाए तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल ही यहाँ पे पुराना और भयानक जंगल है। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।